अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, आप देख रहे हैं VRNews.in। आज हम मौजूद है डंकन रोड में, बिल्डिंग बालूसाली बिल्डिंग के अंदर रहने वाले एक्स कारपोरेटर मोहम्मद हनीफ साहब के घर में बैठे हुए हैं, जो बिल्डिंग एंड फैक्ट्री सी वार्ड जो है, जो के मोहम्मद हनीफ साहब के साथ में जाति दुश्मनी निकाली जा रही है। कारपोरेशन की तरफ से जो है अत्याचार, जो कि एक्स कारपोरेटर रह चुके हैं मोहम्मद हनीफ साहब, उनके पर जो है के सी वार्ड के बिल्डिंग एंड फैक्ट्री के मंगेश जो सब इंजीनियर है, उन्होंने इनके पर अत्याचार करके रखा हुआ है 2017 से 2018 में। अभी फिर 2019 में इन्होंने एक नोटिस 351 MMC Act 347 MMC Act 342 MMC Act, ये नोटिस दिया है, जो कि नोटिस ये जो है स्टाफ वर्क के लिए दी जाती है, और ये इन्होंने सारा जो है इनलीगल तरीके से जो है एक अच्छे खासे 100 स्क्वायर फीट के घर में रहने वाले मोहम्मद हनीफ साहब जो है एक्स कारपोरेटर रह चुके हैं, उनके पर एक तरीके का जुल्म हुआ है। आइए उनसे जानते हैं कि आइए बात करते हैं हम मोहम्मद हनीफ साहब जो कि एक्स कारपोरेटर रह चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अभियान न्यूज में आपका स्वागत है। हाँ जी बोलिए, बताइए क्या क्या आपके साथ में जो कारपोरेशन के बिल्डिंग एंड फैक्ट्री के द्वारा क्या क्या अत्याचार आपके साथ में हुआ और क्या क्या सहना पड़ा आपको इसके? 2017 और 2019 में गणेश ठाकुर आके मेरे घर का डेमोलिशन किया। मैंने उनसे उसी टाइम कहा था कि जो भी आपको इलीगल लगता है वो आप पूरा के पूरा उसको डेमोलिशन कर दो, क्योंकि आप बार बार डेमोलिशन करोगे तो मेरे पास पैसा नहीं है भरने का, और मैंने 60,000 रुपया मैंने भरा हूं। और गणेश ठाकुर ने ही कहा था 2018 में कि आप अपना घर जैसा था वापस बना लीजिए, तो मैंने अपना जैसा था वैसा ये लगा दिया था मैंने सेफ्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े चूहे हैं, जो खाना भी चूहा साथ में यही खाता है वो भी मैं आपको फुकू के साथ में प्रूफ कर सकता हूँ, और मेरे पाँव में भी काटा है, मैं शुगर पेशेंट हूँ, मेरी उंगली अंगूठा काटा गया है, उंगली काटी गई है, ये देखिए ये तलिया भी मेरा यहाँ पे निकाला गया है, और मुझे इतनी तकलीफ है कि अगर मैं अपने काम के लिए भी कहीं मेरा आना जाना होता नहीं है, अगर मैं कहीं कुछ पेपर भी डालना चाहूँ तो मजबूरी है ये मेरी कि मुझे किसी ना किसी को पकड़ के बोलना पड़ता है कि भाई साहब ये पेपर आप जाके सीवाड़ में दीजिए। मोहम्मद हनीफ साहब, जैसे कि आप एक्स कारपोरेटर रह चुके हैं, आपके साथ में आप ये सोचते हैं कि कोई दुश्मनी निकाली जा रही है या किसी की पर्सनल दुश्मनी है आपसे, क्या वजह है आप खुल के बताइए? ऐसा है कि मेरे बाजू में मेरा पड़ोसी है नाजिया और धारावी में रहते हैं, उसका शोहर का नाम है आजम, जो यहाँ कभी भी आया नहीं है। कम से कम मैं यहाँ पर 25 सालों से रह रहा हूँ, तो 25 साल में मैंने कभी उस आदमी को यहाँ देखा नहीं। ये पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है, ये नाजिया आदम और एक है टिको जैन डिकोस्टा, ये तीन आदमी मेरे को इतना हरसमेंट कर रहे हैं। वो लोग पहले तो ये कह रहे हैं कि हमें बाहर किचन बनाना है, तुम हमें ग्रिल लगाने दो। मैं बोला भाई ये ग्रिल आपको लगाने नहीं मिलेगी तो हम आएंगे जाएंगे कहाँ से। दूसरा उसका कहना है कि पानी की टाकी मुझे ऊपर सीलिंग पर लगाने दो, तो बिल्डिंग की हाइट इतनी नहीं है कि जहाँ पर वो टाकी लग सके। और तीसरा उसका बोलना है 20 लाख रुपया देता हूँ, आप मुझे घर बेच के चले जाओ, नहीं तो मैं आपको इतना हरेसमेंट करूँगा, इतना परेशान करूँगा कि जहाँ जहाँ आपकी जो कुछ भी प्रॉपर्टी रहेगी मैं वहाँ पर ये पूरे पावर के साथ में ऑफिसरों को रुपया दे दे के भी मैं ये काम कराऊंगा। और ये 5 लाख रुपया मुझसे मांग रहा है, क्या 5 लाख दे दो, वो मुझसे भी कहा, या ये मुझे सी वार्ड के गेट के उस तरफ मिला था, वो मुझे बोले कि 5 लाख रुपया तेरे को देना पड़ेगा, और नहीं तो फिर देख मैं तेरी क्या हालत करूँ।
अनिल साहब, इस मामले में जो स्थानीय कारपोरेटर है, आमदार है, खासदार है, इनसे कोई बात भी या पुलिस स्टेशन में, जो कि आप पेशेंट है, पुलिस स्टेशन में आपने कोई कंप्लेंट करने की कोशिश किया है क्या? मैंने जेजे के अंदर इसकी कंप्लेंट करने की कोशिश की तो मुझे वहां पर आश्वासन दिया गया एसीपी मंगेश पोटे और सीनियर पीआई गायकवाड़, ये लोगों ने कहा था मुझसे कि आप टेंशन मत लीजिए प्लीज, हम आपको पूरा हेल्प करेंगे। मैंने उनको वहाँ के घर का एड्रेस भी दिया था, वो लोग वहाँ पर गए नहीं, और क्या मालूम वो लोग किसी कोई पॉलिटिकल को इसमें बीच में डाल के ये मसले को ही उन्होंने खत्म कर दिया और ना उनके ऊपर कोई कार्रवाई। जैसे कि आपने बताया कि अभी जो नोटिफिकेशन दी है आपको, तो इससे पहले कितनी बार तोड़ा गया है ये जो आपका किचन का हिस्सा है? किचन के साथ में मेरी सेफ्टी ग्रिल भी तोड़ी गई है, ये दो बार तोड़ा है, एक तो 2019 में तोड़ा था और एक बार 2017 में तोड़ा था, 2017 में और 2019 में, और जब से वो तोड़ा उसके बाद वो मैं कोर्ट में गया था, कोर्ट के अंदर मुझे स्टे मिला था, स्टे जैसे वैकेट हुआ फ्राइडे को और ये लोग छुट्टी के दिन अपने आके डेमोलिशन कर दिया। जैसे कि आपने एक्स कारपोरेट जो है मोहम्मद अनिल साहब को सुना, मैं व्यूअर्स से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए और जो के कारपोरेशन के द्वारा बिल्डिंग फैक्ट्री के जो कर्मचारी है, जो ऑफिसर है मिस्टर मंगेश, और ये जो है वो आजम करके जो इनके पड़ोस में है, सीधा सीधा जो है ये एक्सटॉर्शन का केस है, इसका गुरु है जैन डिकोस्टा करके जो है ये इनको जो है दबाया जा रहा है और इनको जो है कि धमकी दी जा रही है कि अगर ऐसा नहीं करूंगा तो कारपोरेशन के जो लोग है, खास करके सीवाड़ के बिल्डिंग फैक्ट्री के जो अधिकारी है, इन्होंने जो है इनसे दुश्मनी निकाली है और इलीगल तरीके से जो है इनका डेमोलिशन किया गया। मैं कमिश्नर साहब, अगर मेरे वीडियो को व्यूवर्स से मैं गुजारिश करूंगा कि इतना शेयर करें इसको कि कमिश्नर साहब, परदेशी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक्स कारपोरेटर एक अच्छा कारपोरेटर रह चुके हैं, उनके साथ में आपके कारपोरेशन के कर्मचारी जो है वो जुल्म कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा जुल्म कर रहे हैं। 100 स्क्वायर फीट का ये रूम है, इसमें जो कि जुल्म किया जा रहा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर से व्यूवर से कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अनिल साहब जो कि अनिल साहब की यहाँ पे बीवी बैठी हुई है, उनकी बेटी बैठी है और उनकी बेटी से बात करते हैं कि क्या किस तरह का जो जुल्म इनके हुआ है वो उनसे बात करेंगे। आप बताइए। मेरे अब्बा एक डायबिटीज पेशेंट है, हार्ट के भी पेशेंट है, उनके 4 ऑपरेशन हो गए हैं, वो इंग्लिश टॉयलेट के बिना बैठ नहीं सकते और ये लोग हम लोग को बहुत परेशान कर रहे हैं। ये मेरी मम्मी है, इनको भी कैंसर है और ये भी बहुत परेशान है, ये भी देसी टॉयलेट में नहीं बैठ सकते, इंग्लिश टॉयलेट ही हम लोग को ज्यादा जरूरत पड़ती है। और ये म्यूनसिपालिटी के जो 3 आदमी है वो हम लोग को बार बार नोटिस देके हमारा घर बार बार डेमोलिशन करके हमको परेशान बहुत कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये दोनों भी पेशेंट है और ये सारी फाइल जो है इनकी हॉस्पिटल की, इनका इलाज चल रहा है, इनका पैर भी जो है देख सकते हैं कटा हुआ है और इनके बाजू में जो बीवी बैठी है उनका भी इलाज चल रहा है। वो हनीफ साहब, ये जो बिल्डिंग एंड फैक्ट्री के मंगेश जो है ऑफिसर, वो कोई आप किसी की तरह की जो है डिमांड किया है क्या? उसका मेन डिमांड उससे सबसे बड़ा अगर करप्टेड आज की तारीख में सी वार्ड का है वो है गणेश ठाकुर। गणेश ठाकुर ने 2 बार डेमोलिशन किया है, वो मुझे एक ही बोलता था कि उसको बनाने दो। बोले भाई क्यों बनाने दो, उसको बनाने क्यों दू, क्या उसको भाई तकलीफ में वैसे ही हम लोग परेशान हाल है तो उसको क्यों बनाने दू। और उसने ये तोड़ने का भी उसने पैसा लिया है, इसको सुपारी कहा जाता है, उस तरीके से उस आदमी ने मेरे साथ में व्यवहार किया है और मेरे से भी 1 लाख रुपया यही पलंग पे बैठ के लेके गया है, 1 लाख रुपया उसने यही पलंग के उसमें लेके गया है। आपको मैं उसका फोटो दिखाता हूँ, उसने फाइल में डाल के वो 1 लाख रुपया मुझसे भी लेके गया है और मुझसे कहा कि आप बना लो। ये ऐसा आदमी है
के करोड़ों रुपया यहाँ से कमाया है, उसकी तो खुली इंक्वायरी होना चाहिए एंटी करप्शन में, पुलिस डिपार्टमेंट में और पीएमसी में। और ये आदमी आज 3 महीने के बाद वापस वार्ड में इसी जगह पे आया है, तो क्या उसको बीएमसी को क्या पैसा दे के आता है या आखिर क्या बात है? और यही बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अंदर आज एसबीयूटी के साथ में मिलके उसने करोड़ों रुपए की जान बनाई है इस एरिया में, खास देखिए मटन स्ट्रीट। और आप ऐसी ऐसी जगह देखिए जहां पर इसने बिल्डिंग को डेमोलिशन किया है, तो ऐसा डेमोलिशन किया है कि नष्ट नाबूद कर दिया है। अगर आते हैं तो लोग पंचर मार के भी जाते हैं, मेरे भी ऊपर के रूम में आया था, वहां पर पंचर मार के गया, मगर ये पैसा लेने के बाद इसने मेरा पूरा डेमोलिशन किया। उसके बाद जो आया है मनोज कामले, मंगेश कामले, ये भी उसी तरीके से व्यवहार करता है और पैसे के अंदर हर काम करता है। और आजम या आजम और डिकोस्टा यहां तक कहते हैं जब उसको पैसा देके हम लोग काम करवाते हैं और ये हमारा काम करता है। आज अगर बीएमसी अगर ऐसा काम करेगी, और माजी नगर सेवक या माजी नगर सेवक की कोई इज्जत नहीं है, माजी नगर सेवक को कोई पूछता नहीं है। आज पहली मरतबा सी वार्ड में ये दो ऑफिसर ने इतना आतंक मचाया है कि क्या बताऊं मैं आपसे। इनकी खुली इंक्वायरी होनी चाहिए। और सबसे पहले मेरे सामने ही आप देखिए, मेरे सामने पूरा इलीगल बनाया गया है, वहां तक के उसने खिड़की भी उसने बंद कर दी है। और ये आप बिल्डिंग आजू बाजू में ऊपर नीचे देखिए, सामने देखिए, आप देख सकते हैं। आप बल्कि फोटो लीजिए, मेरे घर से आप फोटो लीजिए कि देखिए वो क्या कर रहे हैं। अंदर इलीगल लिफ्ट लगाया है, 2 माले की बिल्डिंग में जो रेसिडेंस था उसको कमर्शियल बनाया है, और इतना हैवी मटेरियल डाला है कि कभी कुछ हादसा हुआ तो पूरी बिल्डिंग बैठ जाएगी। और ये बीएमसी को दिखता नहीं है, ये मंगेश कामले को दिखता नहीं है, और ये ठाकुर को दिखता नहीं है। जैसे कि आपने जो ये सीनियर सिटीजन है, दोनों अभिनव मार्केट है, अभिनव माल है जिसने ये बनाया है। आप देखिए जब इनको ये सब चल रहा है, ये सामने मेरे सामने की तरफ देखिए, वहां पर भी देखिए, जहां पर घर के सामने ऊपर वो भी देखिए, अरे मेरे आजू बाजू में देखिए। मैंने कभी जिंदगी में किसी को हैरान परेशान नहीं किया हूँ, माजी नगर सेवक होते भी मैंने कभी किसी को हैरान नहीं किया हूँ। आज भी मेरी टाइम के लोग वहां पर कोई कलर का कोई है, आज भी वहां पर सी वार्ड में है, वो आज भी हमको रिस्पेक्ट देके बोलते साहब आपने कभी किसी का नहीं बिगाड़ा। और ये कल के लड़के आए हुए इस तरीके से आतंक मचा रहे, इस तरीके से पैसे का व्यवहार कर रहे, खुल्लम खुल्ला नाम ले रहे कि हमको आजम और डिकोस्टा पैसा देता है। अभी मैं आपको उसकी कैसेट भी दे सुना सकता हूँ। एक लेडी बोल रही है, लेडी को बोल रहा है कि हम उसको पैसा देते पैसा, और ये हमारे पैसे के ऊपर काम कर रहा है। जैसे कि हनीफ साहब से सुना, उनकी बीवी है, उनकी बेटी का आपने सुना कि टोटल जो है ये करप्शन जो है ये पूरा जो है ये करप्शन का है वजह से जो है हनीफ साहब को सताया जा रहा है। क्योंकि हनीफ साहब ने अभी बताया ये सिर्फ इनको ही टारगेट किया जा रहा है, जो कि बाजू में रहने वाले आजम और डिकोस्टा इनकी पर्सनल इनसे डिमांड है, इनको रूम खरीदने के लिए भी उन्होंने बोला है, 5 लाख रुपए का उनसे डिमांड किया था उन्होंने, और एक्सटोशन का उसके ऊपर केस बनता है। और मैं जितने भी व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, मैं उनसे फिर एक बार गुजारिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को शेयर करें, ताकि जो एक कारपोरेटर रह चुके हैं सीनियर सिटीजन है उनको इंसाफ मिल सके, और जो कि इनके साथ में न्याय मिल सके हैं बैठे हैं उनके साथ में पर्सनल क्या गुजरा उनसे जानते हैं। बताइए क्या क्या आपने देखा और क्या क्या सुना और क्या क्या हुआ बताइए। बीएमसी ऑफिस में जब हम लोग गए थे, मेरे पप्पा हम लोग और एक पुलिस वाले सर भी थे, तो वहाँ पे वो लोग 2 जन बैठे थे, तो असिस्टेंट इंजीनियरिंग ऑफिस में सेकंड फ्लोर पे, तो वहाँ पे पप्पा ने बोले देखो इधर बैठे करके अब्बा अंदर गए। तो उतने में अब्बा को सर ने बोले कि भाई तुम रुको, बोले इधर आओ, बोले तुम उसको बात में करेंगे, तुम इधर आओ। तो अब्बा ने मेरे को बोले कि तुम फोटो उतार इसकी और तो मेरे को भेज देगा। तो मैं उसकी फोटो उतार रहा था, तो उसने डायरेक्ट ऐसा बोला कि अगर अब तेरे बाप ने 5 लाख नहीं दिया ना
पूरे जान से मरवा दूंगा या गाड़ी से उड़वा दूंगा। जैसे कि आपने उनके बेटे को सुना, और अनिल साहब ये बताइए कि जो आपके खिलाफ जो ये कार्रवाई हो रही है, जो आजम और डिकोस्टा का नाम दिए उनके खिलाफ जो एफआईआर करने की आपने कोशिश की, क्या वो एफआईआर हो चुकी है? एक एफआईआर एलके मार्ग पुलिस स्टेशन में हो गई है और दूसरी करवाने की तैयारी है। जहाँ जहाँ ये डैमेज कर रहा है, पैसा मांग रहा है, हालांकि मेरा ये देखिए, ये एक औरत की भी एनसी कम से कम 100 एनसी है, 100 आजाद मैदान और एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन में। ये देखो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ये पूरा के पूरा जेम डिकोस्टा लेडीजों को भी कैसे बदनाम करता है, वो आजम उसका मेन सपोर्टर, ये दोनों एक ग्रुप चल रहा है पूरा, जिसमें उसकी वाइफ भी है नाजिया, ये लोगों का एक ग्रुप चल रहा है, बस इनका एक ही मकसद है कि सिर्फ पैसा कहां से कमाना, बस ये मेन मकसद है, चाहे एक्सटॉर्शन करके करो या कैसे भी करो, मगर पैसे चाहिए। और ये एक कारीगर था पहले, आजम एक कारीगर था मोबाइल का, बाद में वो खुद उसने मोबाइल चोरी का खतरनाक चालू किया, उसके खिलाफ भी गुजरात के अंदर उसकी एफआईआर है। मतलब ये सारे मामले के पीछे एक क्रिमिनल जो है कि बोला जा सकता है क्रिमिनल गैंग है, और वो इनको हरेसमेंट किया जा रहा है बीएमसी के अधिकारी के द्वारा, और कॉरपोरेशन जो है इसमें आग बनकर के बैठी हुई है, और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाए। कैमरामैन और के साथ में अगर मेरी और मेरी वाइफ पे अगर जान को कुछ भी हुआ, उसके जिम्मेदार ये 5 लोग हैं, 5, पहले नाजिया, फर्स्ट, सेकंड आजम, थर्ड जेन डिकोस्टा, 4 गणेश ठाकुर, और 5 कामले मंगेश कामले। ये लोगों ने हमारा जीना हराम कर दिया, अब जिए तो कैसे जिए, और मौत भी, मौत और जिंदगी के बीच में हम लड़ रहे हैं। इस तरीके से हमको परेशान और टेंशन दिया जाता है, ना रात को नींद आती है ना चैन मिलता है, बस बेचैनी बेचैनी, ये कब आएंगे, कब तोड़ेंगे, कब आएंगे, कब तोड़ेंगे, अरे कुछ बचा क्या है कि तुम अब तोड़ोगे? ये पूरा देख लो मेरा घर, आज 100 या ज्यादा से ज्यादा 110, अब इसके अंदर मैंने जो टॉयलेट का परमिशन 3 बार मांगा है, मगर बीएमसी सी वार्ड ने कोई उसके ऊपर एक्शन लिया नहीं है, वहां तक के मेरे पास लैंडलॉर्ड का परमिशन है, नीचे शॉप का परमिशन है, मैंने डॉक्टरों के सर्टिफिकेट लगाई है, भाटिया हॉस्पिटल के सर्टिफिकेट लगाई है, और वो खुद भी मुझे देख रहे हैं, वो मुझको कह भी रहे आप प्लीज मत आइए, आप मत आइए, आपके भाई को किसी को भेजो, अरे मैं नहीं जाऊंगा, जब ये लोग किसी की कोई सुनवाई नहीं कर रहे तो आखिर करूं तो क्या करूं, तो मेरे को चलने में भी तकलीफ हो रही है, आप खुद देख सकती है, देखिए ये देखिए, ये देखिए आज देखो अभी भी पस निकल रहा है, ये देखिए ये अंगूठा, ये देखिए ये उंगली, ये सब ये 2.5 साल के अंदर ये सब तकलीफ मेरे हुई है, तो कभी मेरे को कोई तकलीफ नहीं थी, वहां तक के मेरा जो कारोबार था वो भी बंद हो गया। जैसे कि आपने हनीफ साहब को सुना, इनके साथ में जुल्म की हद कर दी है, किसी थर्ड पर्सन के द्वारा जो सी वार्ड के बीएमसी के कर्मचारी है उनको, उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि लोगों को एक सबक मिले। कैमरा पर गांडू लोग से दोस्ती नहीं है, डरता हुआ आदमी से डरने का काम डरता ही नहीं है, अभी आप बोला नहीं डरता ना, फिर मैं बात करेगा, आप बोला ना अभी हम डरता है, अरे कुछ नहीं होता है, पुलिस क्या करेगा, उनके रस्ते वाले है, अपन बात किया पुलिस, पुलिस का गाने में ताकत नहीं है, वो क्या रस्ते वाले को ये करेगा, आप लोग डरने वाले यार, डिपोर्टर डरता नहीं है, तुम क्या हमको डर को समझता है, समझे खाली खाली वो तुमको भड़काता है और तुम भड़कता है, ये बोला ना तुमको, ये तुमने कितने मुसलमान एक नंबर कांडो आ गया, क्वेश्चन करो क्वेश्चन करो, चलो उधर वकील का बचा, मुश्किल का वकील क्या करेगा वकील,
जेल में जाएगा, जेल में जाएगा। सुनिए दोबारा क्या हुआ, एक का हमारा कुछ नहीं हो गया।